दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है कि उनके पास भी एक आलीशान महल हो और जब वो सुबह सोकर उठें तो सामने एक सुंदर सी वेट्रेस ब्रेकफास्ट के लिए ट्रे लेकर खड़ी हो जिसमें एक्जॉटिक डिशेस, इम्पोर्टेड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हो। फिर आप सोने से जड़े हुए बाथ टब में स्पा जैसे एक्सपीरियंस लें और अपने हीरों से जड़ी वॉच पहनकर गैराज में निकलें। गैराज में खड़ी लग्जरी कार्स की कलेक्शन में से अपनी फेवरेट वाइट लैम्बोर्गिनी लेकर घूमने निकल जाएं। इसके अलावा प्राइवेट जेट, याट, आइलैंड और ना जाने रईसी के क्या क्या सपने आप में से भी कई लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके सपनों की दुनिया को असल जिंदगी में जीते हैं, जिनका हर शौक रईस है और दौलत इतनी है कि हिसाब ही ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुबई के शाही परिवारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी असल जिंदगी इस सुनहरे सपने से भी ज्यादा आलीशान है। डायमंड स्टडेड कार्स हो या अपनी लग्जरी मेगा यार्ड लेना, दुबई का शाही खानदान कुछ इस तरह अपने पैसे खर्च करता है कि इनकी रईसी की बातें दुनिया भर में होती हैं। मिलकर जानेंगे कि दुबई की रॉयल फैमिलीज कैसे उड़ाती हैं अपना पैसा। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुबई का रईस खानदान दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। दुबई के किंग का नेटवर्थ इंग्लैंड की क्वीन से भी ज्यादा है। इनका नेटवर्थ लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स यानी 34,172 करोड़ रुपए, जबकि क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्थ सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए है। इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर 200 लोग भी इनके पैसे रोज 24 घंटे एक साल तक गिने तो भी गिन नहीं पाएंगे। आपने ये लाइन तो कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी कि इफ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट। इस वन लाइनर को दुबई के रॉयल फैमिलीज ने शायद ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, तभी तो अपनी अमीरी दिखाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। इस परिवार के शहजादे अपना पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। जितना वजन इनके नाम में है उतना ही पैसों के वजन से भरा इनका बैंक बैलेंस। वैसे तो ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम के वो किंग हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फजा के नाम से इंस्टाग्राम पर मशहूर प्रिंस अपनी पोस्ट के थ्रू अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक लोगों को दिखाते हैं। अलग अलग एडवेंचर्स ट्राई करने से लेकर दुनिया घूमने तक ये अपने टाइटल प्रिंस को बखूबी निभाते हैं। इनकी पढ़ाई यूके में हुई है, जहां इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने पढ़ाई की थी। हम लोग तो गाड़ी भी लेते हैं तो ईएमआई पर लेते हैं, लेकिन ये तो चुटकी में अपनी मनपसंद याट खरीद लेते हैं। इनके पास स्मरला नाम की एक याट है जो चलती फिरती 7-स्टार होटल जैसी है। इसकी कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। इस याट में 24 कमरे सिर्फ नौकरों के लिए बनाए गए हैं, जो याट की पार्टीज के दौरान प्रिंस और उनके दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। इतना तामझाम वो भी सिर्फ 10-12 लोगों को याट में ऐशो आराम देने के लिए करते हैं। इसके अलावा शेख हमदान के पास दो याट और भी हैं, जो क्वाट्रेले और क्वाट्रेले शेडो नाम से जानी जाती हैं। अगर प्रिंस के पास स्मरला है तो किंग के पास भी दुबई नाम की वर्ल्ड फेमस मेगा याट, जो एक कन्वर्टेड क्रूज शिप है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े याट में से एक है। और अगर आपको नौकरों के लिए 24 कमरे ज्यादा लगते हैं तो ये सुनिए, दुबई याट में 88 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, जिनमें रहने वाले सर्वेंट्स इस कीमती याट को मेंटेन करने के लिए हायर किए गए हैं। इस याट में 48 लोग रॉयल जिंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनके अलावा सऊदी रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स के पास अपनी लग्जरी मेगा याट्स हैं। अब पानी से निकल के आते हैं दुबई की जमीन पर। हाई एंड लग्जरी कार्स तो दुबई में आपको ऐसे देखने को मिलती हैं जैसे ये वहाँ के रईस शेखों और रास्तों के लिए ही बनी हो। ऐसी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है जो प्रिंस के पास नहीं है या जो प्रिंस ने ना खरीदी हो। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि शेख हमदान का गैराज लग्जरी व्हीकल से भरा पड़ा है। फरारी, बुगाटी, रोल्स रॉयस जैसी 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स हैं इनके पास। लेकिन दुबई के अमीरों को सबसे अलग दिखना या अलग करना पसंद है, फिर वो डायमंड के दांत लगवाना हो या फिर गोल्ड डस्ट से सजे बर्गर खाना। 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स को ओन करना एक प्रिंस की शान के लिए शायद नाकाफी था, इसीलिए तो इन्होंने अपनी कुछ कार्स को कस्टमाइज करवाया है और ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ 24 कैरेट गोल्ड यानी कि सोने से बनवाई हैं। सच में दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी और इस शाही परिवार की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो सोने का कोई जेवर खरीदने से पहले भी कई बार सोचते हैं, और ये हैं जो अपनी गाड़ियाँ सोने की बनवा रहे हैं। इसके अलावा प्रिंस के पास 6 एम्फीबियस कार्स भी हैं, यानी ऐसी कार जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी चल सकती हैं। इनके शौक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित नहीं है, इनके पास टैंक्स का भी अमेजिंग कलेक्शन है जिसे वो दुबई की रेत में दौड़ाते हैं।
इनके शौक यहीं खत्म नहीं होते। अगर आप कभी फजा का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि दुबई के शहजादे को जानवरों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। इनकी फीड प्यारे एग्जॉटिक जानवरों से भरी पड़ी रहती है, जिसमें बाज, जिराफ और हाथी से लेकर शेर और टाइगर तक शामिल हैं। शेखों में अरबी घोड़े पालने का बहुत शौक होता है और शेख हमदान के पास 1000 के लगभग घोड़े हैं, जिन्हें वो अपने अलग अलग शौक जैसे कि हॉर्स राइडिंग और पोलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, इनके पास 120 से भी ज्यादा ऊंट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेख हमदान को एक बार एक ऊंटनी इतनी पसंद आई कि शेख ने उस ऊंटनी को उसकी कीमत से हजारों गुना ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया। उस ऊंटनी की कीमत के रूप में शेख ने पूरे 40 करोड़ रुपए दिए थे। जी हाँ, 40 करोड़ सिर्फ एक ऊंटनी के लिए। इतना ही नहीं, इस रॉयल फैमिली के पास 12 बोइंग प्राइवेट प्लेन्स और देश विदेश में कई रॉयल पैलेसेस और प्रॉपर्टीज हैं। दुबई की ये रॉयल फैमिली इनकी रईसी के अलावा एक और चीज के लिए मशहूर है। जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग बेशुमार पैसा स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैरिटीज में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपने प्राइवेट प्लेन्स तक मदद के लिए भेज देते हैं। बड़े मियाँ दो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनके बेटे यानी शहजादे फजा भी चैरिटी के मामले में अपने पापा से पीछे नहीं है। जब यूएई के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो अपना ट्रीटमेंट पैसे ना होने की वजह से नहीं करवा पा रहा है, तो प्रिंस से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उसकी मुसीबत दूर कर दी। ये परिवार सिर्फ अपने पैसों से लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि चैरिटेबल इवेंट्स में अपना प्रेजेंस देकर, जरूरतमंदों से मिलकर, उनका दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना। अमीर होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी हैं और ये बात उन्हें दुनिया भर में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जहां एक ओर दुबई के रिच किड्स सोशल मीडिया पर अपने एक्सोटिक वेकेशंस और लेविश पार्टीज को पोस्ट करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी सिंपल फैमिली गैदरिंग और कंट्री के लिए ली गई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के बारे में लोगों को अपडेट करते रहते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यूएई उन कुछ देशों में आता है जहां इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा पैसा बहाया है, चाहे वो 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से बना बुर्ज खलीफा हो, चाहे 12 बिलियन डॉलर्स की लागत वाला पाम आइलैंड। ये दुबई के प्रिंस का ही सपना था, जिसे उन्होंने सच कर दिखाया, और यही कारण है कि दुबई दुनिया के नक्शे पर एक अहम जगह बनने में कामयाब रही है। कई रिसेंटली डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दुनिया भर की कंपनीज को अपनी ओर खींच रही हैं। दोस्तों, इससे एक बात तो साबित होती है कि ये रईस खानदान जिस तरह से अपनी शौक पूरे करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है, उसी तरह ये पैसा अपने देश और उसके लोगों के लिए भी खर्च करता है, और शायद इसीलिए इन्हें अपने लोगों से इतना सम्मान और प्यार मिलता है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की रॉयल फैमिलीज की बात, लेकिन दुबई के शेखों में कोई कम नहीं। दुबई के इन रिच किड्स पर हमारी दूसरी वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमारी अगली वीडियो तक स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।